भाई साहब, ये अमूल एपिक खाते हुए चल रहा हूँ। एक ही बाइक लिया था और डार्क चॉकलेट से बनाया है, थोड़ा सा मुँह का टेस्ट कैसा है। यही गांधी पार्क के यहीं पर हूँ मैं, आगे निकल रहा हूँ अभी यहाँ से, तो परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे हम, देखते हैं क्या क्या व्यूज है वहाँ। आइसक्रीम खाते खाते मैं ही यहाँ पहुँच गया, ख़त्म भी नहीं हुआ था तो यहाँ बैठा आराम से आइसक्रीम खा लिया, और खूबसूरत परेड ग्राउंड का व्यूज़ है ये सब देख रहे। पर ऐसा लगता है कि किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं इसमें एक अंदर की तरफ में। एंड यहाँ दूर में हम देख सकते हैं एक आपका अशोक चक्र भी है, और कुछ एक फाउंटेन वाटर फाउंटेन शो की तरह कुछ होगा शायद, ऐसा लग रहा है। यही बैक साइड में देहरादून स्मार्ट सिटी बोल के लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं अशोक स्तंभ को एक बार देख कर आते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ में दोस्तों ये देखिए बहुत सारा कचरा है, मैला है इतना खूबसूरत प्लेस में। और तो आप ही लोग का प्लेस है देहरादून, प्लीज़ इसे अच्छा रखिएगा, साफ रखिए। मैं तो जो कचरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी है आपके साथ ही लेकर चला जाऊँ। ब्यूटीफुल प्लेस में थोड़ा बहुत सा, तो चले वो अशोक स्तंभ को देख कर आते। तो अभी यहाँ शायद पल्टन बाजार का स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ में घुस चुके, और पीछे की तरफ में था बून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, कोई एक इंस्टीट्यूट होगा या कुछ होगा, अंदर जाने को भी शायद मिलता होगा, पर कोई हमने पूछे नहीं। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्या है वो बून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में क्या होता है। मैं भी एक बार गूगल में देख लूँगा, पता नहीं किनका शॉप है, मैं तो थक के बैठ गया यहाँ पर। ये लॉक का शॉप है यहाँ पर, और ये घंटा घर के लिए यही बैठा, दो मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जाते। बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है, सवेरे से चल रहे हैं, तो चले अब चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये घंटा घर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो एक राउंड चक्कर काटने के बाद यहाँ घंटा घर में फिर से आ चुका हूँ। और इसी के ही बैक साइड में आपका पल्टन बाज़ार है, उस समय का पल्टन बाज़ार था नहीं, वो एक झलकिया जैसी थी, कैसा देखने वाला है। तो ये आगे में आप फिर से घंटा घर आ चुके और जाते अब पल्टन बाजार के अंदर घुसते और देखते हैं क्या देखने का है, क्यों इतना फेमस है ये पल्टन बाजार, यहाँ पे क्या क्या व्यूज देखने को मिलते हैं और क्या क्या आइटम्स देखते हैं बाजार में। चले एक राउंड करते हैं पल्टन बाजार का। पल्टन बाजार में एंट्री करते हुए दोस्तों यही है पल्टन बाजार का, सब लोग अपने बिजी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, पर रात के वक्त में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलता होगा, फुल ऑन लाइट्स पल्टन बाजार में। अल्लाह, ऐसे बाजार में टू व्हीलर्स तो अलाउड रहते हैं, पर फोर व्हीलर्स वगैरह अलाउड नहीं रहते होंगे यहाँ पर, तो हांगकॉन्ग मार्केट की तरह है सिलगुड़ी का, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है स्टार्टिंग का व्यूज। आप लोग ने देखे होंगे हांगकॉन्ग मार्केट का व्यूज सिलगुड़ी में, सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉप्स है यहाँ पे। और एक जैकेट और सनग्लास को देख रहे तो मेरे को पता नहीं कब मौका मिलेगा, कौन सा पसंद आएगा, तो वो इस स्टाइल में टैक्स बता है शिमला टू जाए तो हांगकॉन्ग मार्केट सिलगुड़ी। रस भी उसी तरीके से, और यहाँ पे पकौड़ा है कुछ किसी का, थोड़ा सा डाक आ रहा होगा। सब लोग मुझे इस तरीके से देखने क्या कर रहा है, पर आपको फोटो पता है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे व्यूज देखने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे में जैसे कार क्रैश हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है आगे की तरफ में, पल्टन बाजार का व्यू एग्जैक्टली तो यही है पल्टन बाजार को,
ऐसे तो यही है, बट मेन तो पर मेन एरिया प्राइम पल्सन बाजार और भी अंदर होता होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। जैसे कि हंगकॉन्ग मार्केट में रहता है, कई सारे बाइफर्केशन रोड उन्हीं के थ्रू से हमको आने का मिलता है, तो इसी तरीके से ये भी एक बाइफर्केशन रोड से एंट्री करने का। जैकेट वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास एक जैकेट चाहिए था, देखिए कहीं पर दिखेगा तो ले लेंगे, नहीं तो और किसी जगह पे लेंगे वो जैकेट। यहाँ से दो रास्ता बन रहे हैं, अब किधर का जाए, इधर का चलते हैं, वाटर पलन के साथ निकलते हुए जाते हैं। अब उसका आना शुरू हो गया यहाँ पे, सुना था कि पल्टन बाजार में खाने का बहुत जगह है, पर खाने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नया इंसान को क्या पता। हम लोग तो ऐसे कि लंगा क्या नया है क्या निचोड़ के हालत में, जहाँ आप कदम लेके चल रहे हैं वहीं चले जा रहे हैं। यहाँ से भी एक और बाइफर्केशन रोड आ रहा है, हम सीधे चलते चल रहे हैं। होली का टाइम, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, दिखा नहीं पाया कुछ भी, पर बहुत सारे लोग अभी भी कलर सजा के चल रहे हैं यहीं पे। आई थिंक कल होली है, आपको कब देखने को मिलेगा वीडियो पता नहीं, पर आप सभी को होली का शुभकामनाएं, इंजॉय करेगा, मेरा कहाँ होगा देखूंगा क्या देखने को मिलेगा, शायद हरिद्वार में होगा होली मेरा, और हरिद्वार की होली कैसी रहती है देखने का मौका मिलेगा तो देख लेंगे जरूर। ऐसा लगता है कि ये एरिया में इस मार्केट पॉइंट का इन देखी थी, यहाँ तक में जो व्हीकल्स का हेवी व्हीकल्स है जो फोर व्हीकल्स उनको अलाउड नहीं था, तो यहाँ से वो बैरिकेड हटा दिए थे, तो मेन एरिया वही पर है आपका पल्टन मार्केट का। देखें यहाँ आगे की तरफ से क्या देखने को मिलता है उसके बाद, यहाँ से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सच में पल्टन बाजार है, क्योंकि पल्टन यानी कि आर्मी और इनका जो ड्रेसेस है इसलिए बाजार बना के रखे, तो यहाँ पे आर्मी का ड्रेसेस वगैरह मिल रहा था। शोरूम भी है यहाँ पे, तो आगे इस तरह से देख रहे हैं शोरूम की तरह से खोल के रखे हुए हैं, आर्मी के बूट से आर्मी के कपड़ा भी है यहाँ पर, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है। सही महीने में कहे तो यही है पल्टन बाजार, हम लोग तो पता नहीं कौन सा मार्केट घूम रहे थे वहाँ पे, तो उस टाइम हम लोग कह रहे थे कि यहाँ से कोई रास्ता बाइफर्केट करता है, तो अब जाके उसी रोड से मिल रहा है जो मोटी बाजार का रोड था, वापस उसी जगह पे आ चुके हैं हम लोग फिर से घूमते हुए। तो पूरा का पूरा बाइफर्केशन में भी रहते हैं जैसे मार्केट वगैरह कुछ उसी तरीके से, पल्टन बाजार का व्यूज हमने देख ही नहीं यहाँ पे, और एक सिमिलरिटी लगा मुझे जो आपका हांगकांग मार्केट है सिलीगुड़ी का, उसी के साथ में ऐसे कनेक्टिंग रोड जाते हैं और मेन मार्केट के साथ में जुड़ जाते हैं। और देख लीजिए एक बार यहाँ से फिर से बहुत सारे पीपल्स आने रखे हैं यहाँ पर, मेन रोड को छोड़ते हुए फिर इस तरफ के साइड भी घुस रहे हैं, यहाँ पे भी मार्केट ही लगा हुआ है बड़ा सा। और ये बिल्डिंग देखिए, ये भी कोई सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स की तरह लग रहा है। अब इस तरफ से होते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ से तो शायद वो क्लॉक टावर का एरिया नहीं पहुँचेगा, उसके थोड़ा आगे ही निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ से तो चार रास्ते का बाइफर्केशन हो गया है, और
यहाँ आगे की तरफ में से फिर इधर से अंदर की तरफ रास्ता होते हुए जा रहा है। तो अब इधर से जाते अंदर मेन मार्केट की तरफ होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा सर। तो ये लास्ट बाइफर्केशन रोड है जो मेन पल्टन बाजार का रोड के साथ में मीट कर रहा है। तो अब यहाँ आगे से जाते और निकलते बाहर की तरफ से। तो जल्दी है बहुत ही यहाँ पे सबको जल्दी रहती है, हर वक्त कोई ना कोई दौड़े जा रहे हैं। इस तरीके से लगता है कि मैं बहुत ही स्लो हूँ, यहाँ का जो मूवमेंट देखकर इतना फास्ट पेस है लोगों का, जैसे कि रोड क्रॉस करने के टाइम में जब पता चल जाता है और उन लोग को आदत है इस तरीके के फास्ट लाइफ का। हर किसी को जल्दी रहती है यहाँ पर। देखो भाई क्या कह रहा था मैं, सबको जल्दी है जल्दी यहाँ देहरादून में, हर किसी को जल्दी रहती है। और अब निकल चुका हूँ यहाँ फिर से जो बंदर घर का एरिया प्राइम लोकेशन, यहाँ पे आसानी रहती है और इतना बड़ा सा बिल्डिंग है जो कुछ दूरी से दिख जाता है। घूमने होंगे आप लोग मेरा वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ जाना है यहाँ देहरादून में। और ये रहा आगे की तरफ घंटाघर। तो अब यहाँ पल्टन बाजार का हमने व्यूज़ देख लिया, बाइफर्केशन रोड्स का भी थोड़ा बहुत व्यूज़ देखा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स कर दीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। कहाँ ले जाती है मंजिल, क्या चीज़ की तलाश में हम चल रहे पता नहीं, और ढूंढ रहे हैं एक राह जहाँ पे हमें मिलेगी शांति।